Hello traders, welcome to Aliceblue. This is Deepen Gogoi. और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल के ऊपर, क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट एंड क्रूड ऑयल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड क्रूड ऑयल मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट रेंज। तो आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल डेली चार्ट एंड क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट 5254, R15325, R25378 and R35449 and H15201, H25130 and S35077। तो आप देख सकते हैं ये डेली चार्ट। तो डेली चार्ट तो क्रूड ऑयल पहले जो हायर पॉइंट था तो कल तो उसको तोड़ दिया, तो मैंने पहले दे के रखा था ये रेजिस्टेंस लाइन, तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लाइन टक गया। तो यहाँ से मुझे लगता है ये क्रूड ऑयल तो अप ट्रेंड ले रहा है, तो उसमें एक ऑलरेडी ये अप ट्रेंड में ही है डेली लॉन्ग टाइम फ्रेम में। तो अप ट्रेंड का रेंज क्या है, तो हम अगर उसको देखें तो अप ट्रेंड का ये रेंज में चल रहा है। ये रीजन से थोड़ा रिट्रेसमेंट देना चाहिए, क्योंकि ये सपोर्टिंग लेवल भी है यहाँ पे, तो यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देना चाहिए। तो अगर हम 4 आवर में देखें तो आप देख सकते हैं ये 4 आवर चार्ट है और ये लार्ज टाइम फ्रेम है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस लाइन। तो अगर बाय लेना है तो आप इसका ऊपर से बाय ले सकता है, अराउंड 534 लेवल से, 5340 लेवल से आप बाय ले सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पहले आप इसको तोड़ना चाहिए रेजिस्टेंस को, नहीं तो यहाँ से जब सेल का कंफर्मेशन आएगा तो आप सेल भी ले सकता है। तो पहले सेल कंफर्मेशन कैसे आएगा तो उसका ऊपर में थोड़ा डिटेल्स बताएंगे। और अगर इसको तोड़ के यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया और ओपन भी इधर हुआ तो आप बाय में जा सकता है। तो अभी हम देखते हैं ये 15 मिनट में, तो 15 मिनट में एक रेंज बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेंज बनाया। तो ये रेंज को मैंने थोड़ा कनेक्ट कर देता हूँ, ये है 15 मिनट का रेंज, ठीक है। तो अगर ये मार्केट क्रूड ऑयल नीचे आके, देखिए ये पहले हमने अगर 15 मिनट का प्राइस एक्शन देखे तो ये एक लोअर बनाया, तो इसमें फिर से हाई बनाने का कोशिश कर रहा। अगर ये हाई बनाने के लिए हाई बना नहीं पाया, फिर से एक लोअर ब्रेकआउट किया, राइट। तो लोअर ब्रेकआउट मतलब यहाँ से जो पहले एक रिट्रेसमेंट दिया, फिर से ऊपर गया, तो पहले हाई था, अगर हाई को तोड़ा नहीं और फिर से एक लोअर लो बना दिया, ठीक है, यहाँ से आके फिर से लोअर लो बना दिया यहाँ पे, मतलब रेड कैंडल बन के यहाँ पे ब्रेकआउट करके ये ट्रेंड लाइन टू क्लोज हुआ, तो यहाँ से आप सेल ले सकता है। तब स्टोरिस्टिक भी कंफर्म करेंगे कि यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो तब तब के लिए आप तो होल्ड कर सकता है। अगर इसको तोड़ के ऊपर क्लोज एंड ओपन हो गया कैंडल तो आप बाय में जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्लोज हो गया नीचे में आके ये ब्रेकआउट कर दिया तो सेल लग सकता है, और पहले हायर पॉइंट में आप एसएल लगा सकता है, जिससे यहाँ पे एसएल लगाया गया और प्रॉफिट 200 या सपोर्टिंग जो रेंज है वहाँ पे आप प्रॉफिट ऑर्डर डाल सकते हैं यहाँ पे। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।